है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर आएंगे, दोपहर 1:30 बजे तक जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में लगातार तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है। जहां कांग्रेस की ओर से कल यानी कि 6 जुलाई को एक खास बैठक होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी जयपुर का दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब यहां पहुंचेंगे तो चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और बीकानेर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 की सौगात देंगे। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे, वहीं बीकानेर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा है, लगातार दौरे प्रधानमंत्री की ओर से भी किए जा रहे हैं। कुछ ही समय में इलेक्शन होने वाले हैं और इसे लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री एक ओर जहां दौरा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। उधर पोस्टरबाजी मामले को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आता है और ये देख कांग्रेस विरोधी स्टंट कर रहे हैं। जाहिदा ने राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ छवि खराब करने का मामला दर्ज किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से आज मुझे पता चला है कि पीसीसी के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिससे कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश करी है। मैं उन अज्ञात लोगों के द्वारा लगाए गए इल्जामों का खंडन करती हूं और संबंधित थाने में उन अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR करा के कानूनी कार्रवाई करूंगी।